सांसद अर्जुनलाल मीणा ने खरड़िया में किया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लोकार्पण। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विधानसभा क्षेत्र जाड़ोल संपर्क सड़क खरड़िया में सड़क का लोकार्पण सांसद अर्जुनलाल मीणा ने किया। इस दौरान विधायक बाबूलाल खराड़ी, जिला प्रमुख ममता कुंवर पवार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भंवर सिंह पवार, जिला परिषद सदस्य दुलाराम बगोरा, किसान मोर्चा मंत्री मोहनलाल पटेल, एसटी मोर्चा जिला मंत्री बंसीलाल वडेरा, जिला महामंत्री पूर्व प्रधान मुरारीलाल बुमरिया, फलाशा मंडल अध्यक्ष भोपाल सिंह एवं मंडल महामंत्री लक्ष्मीलाल, एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजू निमावत, कोचला सरपंच भगवतीलाल व रिचावर सरपंच मुकेश मानसा, युवा मोर्चा अध्यक्ष धीरज पुरबिया, जाड़ोल मंडल उपाध्यक्ष लाल सिंह राणावत, पूरण सिंह यशवंत, विधानसभा मीडिया संयोजक जीतूभाई शुक्ल आदि मौजूद रहे। को हम सब याद करते हैं। आज के समय में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। आप सबने मुझे दो बार यहाँ से सांसद बना के एमपी बनाकर यहाँ से भेजा, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आगामी नवंबर दिसंबर में विधानसभा के चुनाव है और उसके बाद 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है। हम सब लोगों को काम के आधार पर वोट देना है, न कि केवल घोषणाओं के आधार पर। हम घोषणा कितनी भी करते हैं और पैसा नहीं भेजेंगे तो काम नहीं होगा। काम जब ही होगा कि हम बजट भी साथ के साथ भेजेंगे। अभी हर घर नल की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जीवन जल जीवन मिशन योजना। अभी अपने झाड़ोल फलासिया में लगभग 12 ग्राम पंचायतों का अभी प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है, जिसमें हर घर नल योजना से उसमें पानी दिया जाएगा, नल दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा और महिलाओं को, घर वालों को इसकी सुविधा मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री जी ने पहली बार सोचा प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलो, बैंक में सबके खाता खोलो। और खाता खोलने के बाद अभी एमएलए साहब बता रहे थे कि कोविड में जब आपदा आई तो डायरेक्ट 500-500 रुपये 1500 रुपये महिलाओं के खाते में देश के प्रधानमंत्री जी ने सीधे उनके खाते में दिए। कोई बिचौलिया नहीं रहा। एक समय में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री जी हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, कंसारिया गांव आता है केवल 15 पैसे लेते। आज नरेंद्र मोदी वहां से दिल्ली से 1 रुपया भेजता है और कंसारिया गांव में भी 1 रुपया।